हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जी हां, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से खबर चेकआउट में एक खबर आ रही है। जी हां, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी किया लेखपाल का विज्ञापन। 6,000 पदों के लिए आवेदन, 21 तारीख से लाखों अभ्यर्थियों को था इंतजार, खत्म खुशी की लहर। तो चलिए देख लेते हैं क्या है पूरी खबर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इसी प्रकार की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप खबर देख सकते हैं, UP SSC ने जारी किया 6,000 लेखपाल पदों की भर्ती का विज्ञापन। यहाँ पे देख सकते हैं आप, आयोग की वेबसाइट UP SSC.gov.in पे 5 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे दिया है 11,000 पद खाली पड़े हैं लेखपालों के, इनमें से 8,000 से अधिक पद राजस्व लेखपालों के। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग राजस्व लेखपाल के 6,000 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। परीक्षा हेतु आवेदन करने की दिनांक 5 फरवरी 2020 है। अभ्यर्थी www.upsssc.gov.in पर जाकर लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा की आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 मार्च 2020 है। उक्त परीक्षा जून 2020 में संभावित है। उक्त परीक्षा केवल लिखित परीक्षा के ही आधार पर होगी। लेखपालों के लिए स्नातक योग्यता के साथ साथ CCC जैसी योग्यता आधारित करना आवश्यक है। अभ्यर्थी की आयु की गणना 1 जुलाई 2020 से की जाएगी, अर्थात 18 वर्ष और 40 वर्ष के बीच में के आयु के अभ्यर्थियों का आवेदन कर सकते हैं, किंतु इनमें आयु में नियमावली छूट देय होगी। इस बहुप्रतीक्षित परीक्षा से उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों के लाखों अभ्यर्थियों की आशा की किरण जागी है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UP SSC में करीब 15,000 नई भर्तियां होंगी। इनमें से सबसे पहले राजस्व लेखपालों की भर्ती संपन्न की जाएगी। तो अब हम आपको कई चीज़ें इस जो ये पूरी खबर है इस पर हम कई चीज़ें आपको हम फैक्ट बताएंगे। आपने जनवरी के शुरू में देखा होगा कि एक आया था इसी तरह का, जिसमें कि ये UP SSC करेगा, 25,000 पदों पे नौकरियां देगा नए साल में, जिसमें कि 11,000 के पद हैं। उसको भी हम आपको अभी दिखा देते हैं थोड़ी देर में, पहले फैक्ट चेक कर लेते हैं। इसी खबर के बेस पे आप देख पाएंगे जो सरकारी एग्ज़ाम डॉट वहाँ पे सरकारी एग्ज़ाम है, जहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट, वैसे सरकारी एग्ज़ाम की एक वेबसाइट है, वहाँ पे भी आप इसी प्रकार से, उसमें तो यहाँ तक दे दिया कि 5 फरवरी से आप आवेदन करिए। लेकिन ये खबर सत्य पूरी तरह से असत्य है, निराधार है, ऐसी इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कोई भी विज्ञापन लेखपाल का जारी नहीं हुआ है और ना ही अभी जारी होगा। कम से कम इसको विज्ञापन में कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। इसको हम सत्यता आपको दिखा दें, ये सिर्फ इतना को एडिट किया गया है, इसमें से भी थोड़ा सा छोड़ के एडिट किया गया है। ये पूरा एडिटिंग है, ये सब एडिटिंग है, यहाँ पे देख सकते हैं ये और ये सेम चीज़ें हैं। उसके बाद हम आपको और बता दें, साल 2019 में देखिए एक ही खबर, जब आज की खबर है ये, तो यहाँ पे ये चीज़ें सेम नहीं होंगी, आपको पता है। इन हम इसको कटिंग आपको दिखा देते हैं, पुरानी कटिंग की, ये एकदम पूरी तरह से गलत और निराधार है और पूरी तरह किसी की कारकुंती है, ये किसी के द्वारा एडिट किया गया है बस। चलिए हम आपको दिखा देते हैं, आपको हम चीज़ें उसको ढूंढ कर मैं आपको किसी तरह से दिखाता हूँ कि ये खबर पूरी तरह से फेक है, सिर्फ इतने पोर्शन को इसमें एडिट किया गया है। तो चलिए दिखाते हैं वो भी हम खबर। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं मैटर, यहाँ पे नए साल में ये पूरा इसको एडिट किया गया है और इसी में पूरा एडजस्ट किया गया है इसकी हेडिंग को। इसके बाद देखेंगे आप, ये पूरा है, देखिए यहाँ पे इसको पूरा यहाँ के क्या किया गया है, ये देखिए पूरा एडिट करके इसको लाया गया है, यहाँ तक खबर लाई गई है इसको किसी तरह से, यहाँ से कुछ एडिट करके यहाँ तक लाई गई है ये खबर। तो पूरी तरह से यही खबर है जो एडिट करके वहाँ पे बनाई गई है, इसमें पूरी तरह से यही चीज़ें, फ़ोटो भी बदल दी गई है, ये देखिए यहाँ पे सिर्फ छोड़ दिया है, ये देखिए पूरी खबर यहीं से लाई गई है, पूरी तरह से एडिटेड है, पूरी तरह से फेक न्यूज़ है। आप इस पर ध्यान ना दें, ये फेक न्यूज़ है पूरी तरह से। हमने पहले आपको बताया था कि अभी लेखपाल की भर्ती नहीं आएगी, इसके आने के लिए कम से कम अभी 2-3 महीने का समय लगेगा, यानी कि मार्च के पहले लेखपाल की भर्ती आने की कोई संभावना
नहीं जताई जा रही है। तो ये फेक खबर है पूरी तरह से, इस पर ध्यान ना दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपको दोस्तों को सच्चाई पता चल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।